शहर में ठप रोड लाइट और विकास के अन्य मुद्दों को लेकर बुधवार को विधायक संजय शर्मा और महापौर घनश्याम गुर्जर बुधवार को कलेक्टर से मिले। इस दौरान भाजपा के अनेक पार्षद भी मौजूद रहे। बैठक में पार्षद सतीश यादव ने कहा कि अलवर शहर में पिछले 5 महीने से रोड लाइट से जुड़े कार्य बंद पड़े हैं। इसके अलावा सफाई व्यवस्था चौपट है, साथ ही आवारा पशुओं के अलावा अन्य समस्याएं बरकरार हैं। पार्षदों ने आयुक्त मनीष फौजदार द्वारा दुर्व्यवहार करने के आरोप भी लगाए। देखिए, शहर में पिछले लगभग 5 महीनों से रोड लाइट का काम बंद है और ये काम सरकार के स्तर पर बंद है। शहर की जनता ये सोचती है कि बीजेपी का पार्षद है, बीजेपी का यहाँ पर बोर्ड है और बीजेपी वाले इस काम को नहीं कर रहे हैं। तो हम इस माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि ये काम सरकार के स्तर पर बंद है और इस काम को जल्दी जल्दी शुरू करने के लिए आज कलेक्टर साहब के पास सभी पार्षद और माननीय विधायक जी आए थे। हमने कलेक्टर साहब से डिमांड की है कि शहर की रोड लाइट व्यवस्था जल्दी सुचारू ठीक हो जाए। सफाई व्यवस्था खराब हुई पड़ी है, आवारा पशु शहर में घूम रहे हैं और इस पर लगातार पार्षद लगातार शिकायत कर रहे हैं। पार्षदों की कोई गलती नहीं है, लेकिन कमिश्नर साहब है कि पार्षदों की बात सुनने को तैयार नहीं है, तो उस काम को कौन करेगा। इसलिए माननीय कलेक्टर साहब के पास आए थे और शहर में जो विधायक कोटे से जो बोरिंग है, जिन बोरिंगों के लिए यहीं गांधी जी की मूर्ति के नीचे हमने 2 महीने पहले लगभग 3 महीने पहले यहाँ धरना दिया था विधायक जी के साथ, तो इन्होंने उस समय लिखित में आश्वासन लिखित में सहमति हुई थी कि 1 महीने में सारी बोरिंगों को करके चालू कर देंगे। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे जैसे वार्ड में भी, यानी कि मेरे वार्ड के अलावा और वार्डों में भी, मेरे वार्ड में आज से 2.5 महीने पहले बोरिंग हुई थी लेकिन आज तक वो बोरिंग चालू नहीं है। ऐसे ही स्थितियां प्रत्येक वार्ड की हैं। सभी जो विधायक कोटे की जो लगभग 60-70 बोरिंगें हुई थी, आज तक वो चालू नहीं हुई है। विभाग सो रहा है। अब आप बताइए, इससे बड़ी आक्रमणता क्या होगी।